हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार और चटकारे वाली रेसिपी जो बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। बच्चों को टिफ़िन में कुछ बढ़िया और डिफरेंट देना हो या स्नैक्स में कुछ झटपट से बनाना हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। चीज़ मसाला मैक्रोनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैक्रोनी। आप चाहें तो आप किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। और हमें चाहिए एक टमाटर, रफली चॉप कर लेंगे। एक प्याज, उसे भी इस तरीके से रफली काट लिया है। 3/4 कप मटर लेंगे, एक शिमला मिर्च, एक गाजर और 200 ग्राम पनीर यूज़ किया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन में 2 से 3 चम्मच घी या तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होते ही हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालकर भून लेंगे। जीरा हल्का सा भुनने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इनको अच्छे से मिला दें और 1 मिनट के लिए भुनें। 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, इनको बस हमें हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाना है। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। इसमें हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर यूज़ किया है। एक बार इन सबको अच्छे से मिला लें और लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भुनें और फिर इनमें फटाफट से 1 कप पानी डाल दें ताकि ये मसाले जले ना और रंग ख़राब ना हो। 1 मिनट तक भून लिया है, अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और साथ में ही टमाटर और गाजर डाल देंगे। इन सबको एक बार अच्छे से मिलाएं और अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ढककर पका लेंगे। 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद ढक्कन हटाकर इसे एक बार स्टिर करें और फिर अब हम इसमें मटर डाल देंगे। हल्का सा मिलाएं इसे और 1 कप पानी और डाल देंगे और साथ में ही 1 टीस्पून नमक डाल दें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। एक हल्का सा मिक्स दें इसे। इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून बटर डाल देंगे। बटर डालने से इसका फ्लेवर और टेक्सचर दोनों एनहेंस हो जाएंगे और अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। बीच में मैंने ढक्कन हटाकर इसे एक बार मिक्स किया है, फिर से ढककर इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शिमला मिर्च और पनीर डाल देंगे। इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए इनको सबसे लास्ट में डाला है। एक बार हल्का सा मिलाएंगे इसे और अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम ढक्कन हटाकर इसे एक बार मिक्स करेंगे और अब यहाँ थोड़ा सा लेकर चेक करेंगे कि ये सब अच्छे से पका है या नहीं। तो देखिए ये बढ़िया से पक चुका है। तो बस अब हम इसमें ग्रेट की हुई चीज़ और धनिया डाल देंगे, इनको अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको सूपी पसंद है तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा थिक पसंद है तो आप बिना ढक्कन के इसे 2 मिनट तक और पकाएं। तो देखिए सॉस है वो कितना थिक हो गया चीज़ की वजह से और देखने में भी कितना यम्मी लग रहा है। इसे खाने के बाद हम जो घर पर इंस्टेंट नूडल वगैरह बनाते हैं ना वो सब भूल जाएंगे। और इसमें हमने सब्जियाँ भी काफ़ी यूज़ की है तो ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो बस अब हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।